Welcome to all of you. Today, I'm going to start with the fourth part of topic, democratic resurgence. In the earlier topics, we have completed the three ideologies which were important and the newly added topics in your syllabus. Today, we'll start with the national emergency. National emergency ka background, agar hum jane, to 1971 ke elections se jata hai. Congress had given the slogan of Garibi Hatao, that they are ready to remove the poverty from India, but after that the country did not improve much. There was the crisis of Bangladesh, economic context humne iska karna hai. There was the Bangladesh crisis that had put a heavy strain on India's economy. Jitne bhi refugees 1971-72 mein Bangladesh se aaye the, about 8 million people, they crossed the border, unke rehne ka, khane ka, unke housing ka sara burden India par pada tha, and that was an economic burden on the Indian people only. And afterwards, US government stopped giving all the aid to India after the war of Bangladesh 1971-1972. And there was manifold increase in the prices of oil, an all-round increase in the prices of all essential commodities. Price hike jo tha, rise in inflation itni zyada ho gaya tha ki prices 23% 1973 mein pade aur about 30% they increased in 1974. It means jo cheez 100 rupaye ki aati thi wo 130 ya 140 rupaye ki aane lag padi. जब हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन हुआ, दैट कॉज्ड अ मच हार्डशिप टू द पीपल. द पीपल हैव टू वर्क मोर हार्डर देन एवर बिफोर. देयर वाज लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रीज में बहुत कम ग्रोथ थी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था. और सोने पर सुहागा इस बात से लगाया जा सकता है कि ऐसी कंडीशन इंडियन इकॉनमी के ऊपर आई कि जो मानसूनस थे 1972-73 के, वहाँ पर बिल्कुल फेल हो गए इंडिया में. और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी दे हैड डिक्लाइंड अप टू 8%. सो दीज वर द रीजंस बिहाइंड द इम्पोजिशन ऑफ नेशनल एमरजेंसी. इकोनॉमिक कारण क्या थे इसके अलावा, जनवरी 1974 में गुजरात के स्टूडेंट्स ने, क्योंकि उनके हॉस्टल का खर्चा और बाकी सारे प्राइस हाइक्स हुए थे, देयर वाज प्राइस हाइक इन द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स, कुकिंग ऑयल, एसेंशियल कमोडिटीज और करप्शन, इन सभी के अगेंस्ट गुजरात के स्टूडेंट्स इकट्ठे होते हैं और वो मिलजुल कर मूवमेंट निकालते हैं. एंड सून आफ्टर दैट प्रेजिडेंट रूल वॉज इम्पोज इन द स्टेट एंड फ्रेश इलेक्शन वर कंडक्टेड इन विच इंदिरा गांधी कांग्रेस वॉज डिफीटेड. इसमें मेन रोल मोरारजी देसाई का गुजरात में माना जाता है. ही वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ कांग्रेस ओ और इंदिरा गांधी के बहुत बड़े राइवल थे. उन्होंने कहा कि मैं इनडेफिनिट फास्ट पर बैठ जाऊंगा जब तक फ्रेश इलेक्शन स्टेट में नहीं करवाए जाएंगे. फ्रेश इलेक्शंस करवाए जाते हैं और कांग्रेस पार्टी की हार हो जाती है. गुजरात की स्टूडेंट मूवमेंट वहाँ पर सत्ता परिवर्तन में एकदम सफल हो जाती है. जब इन गुजरात मूवमेंट से एनकरेज होकर बिहार के स्टूडेंट्स ने, दे ऑल्सो स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द राइजिंग प्राइसेस, करप्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द मंथ ऑफ मार्च 1974. एक पॉइंट के कारण जब वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मार्च निकालते हैं टुवर्ड्स द विधानसभा, तो कुछ शरारती लोगों ने शॉप्स में और काफ़ी जगहों पर आगजनी कर दी, आग लगा दी. तो इसके कारण सभी जो लीडर्स थे, स्टूडेंट्स लीडर्स, उनको अरेस्ट कर लिया गया. स्टूडेंट्स वर लेफ्ट विदाउट एनी लीडर. इन दैट सिचुएशन दे अप्रोच्ड जयप्रकाश नारायण, नोन एज जेपी, एज वी हैव डन हिज आइडियोलॉजी आल्सो, टोटल रेवोल्यूशन. उसमें उन्होंने उन्हें इन्विटेशन दिया. एंड बिकॉज एट दैट टाइम जयप्रकाश नारायण ही हैज लेफ्ट फ्रॉम द एक्टिव पॉलिटिक्स एंड ही वॉज इन्वॉल्व इन द सोशल वर्क. सो ही एक्सेप्टेड दिस इन्विटेशन ऑन वन बेसिस, ऑन टू कंडीशंस, दैट द मूवमेंट शुड बी वेरी वेरी पीसफुल एंड नॉन वायलेंट. क्योंकि जो मूवमेंट
वॉयलेंट होती है उसको गवर्नमेंट बड़ी अच्छी तरह से दबा सकती है. एंड दिस मूवमेंट विल नॉट बी कन्फाइंड टू बिहार, इट विल बी ट्राइड, इट विल नॉट बी लिमिटाइज्ड टू बिहार, इट विल बी स्प्रेड ऑल ओवर द इंडिया बिकॉज द इशूज वर कॉमन, फूड स्कैसिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, rising prices, because these issues were faced by all over India. So that is why he accepted the invitation of the students on this issue, that the movement will be non-violent and peaceful and it will not be confined to, it will not be restricted to Bihar. So he demanded, वहाँ पर उन्होंने Congress government की बिहार में dismissal की मांग की और total revolution की बात कही, जिसमें कि उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक स्फेयर में टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति लाने की बात कही. तो धीरे धीरे उनकी जो मूवमेंट थी उसने जोर पकड़ा और नेशनल पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस करने लग पड़ा. 1975 में जयप्रकाश नारायण एक मार्च निकालते हैं पार्लियामेंट की तरफ and this was the largest rally so far. इसमें सभी opposition leaders, जनसंघ, कांग्रेस, ओ भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी और अदर्स, they came in the support of जयप्रकाश नारायण. These leaders, they also called for, alongside this agitation led by जयप्रकाश नारायण, जो रेलवे एम्प्लॉयज थी उन्होंने भी एक नेशन वाइड स्ट्राइक की कॉल दे दी, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे. ये जो पॉलिटिकल पार्टीज थी इन्होंने इंदिरा गांधी के सब्स्टिट्यूट अल्टरनेटिव के रूप में जेपी को सामने खड़ा कर दिया और दिस वाज द मूवमेंट दैट वाज नाउ अज्यूम द फॉर्म ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी के अगेंस्ट ये मूवमेंट चलाई जा रही थी एंड अंडर दिस ओनली अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस इन मे 1974 द एम्प्लॉयज ऑफ रेलवे they went on a nationwide strike and this was the employees of India's largest public sector undertaking that went on a strike. Railway employees ki strike ne labor class mein unrest paida kar diya and this was done just because the rights of the just on certain issues like rights of the workers and employees of essential services should adopt measures like strikes, bonus, service conditions. In sabhi issues par railway employees ne strike ki. The government at the end declared the strike illegal and refused to concede the demands of the worker. Government ne unki workers ki maange nahi mani aur unko repression, unko dabane ka prayas kiya. And after the strike of 20 days without any settlement, the strike was called off. In the same time, in the Naxalbari district of West Bengal, under the leadership of Charu Majumdar, Communist Party, jo Marxist-Leninist Party was formed under the leadership of Charu Majumdar, and these were known as Naxalites. Marxist-Leninist groups, jinko Maoist or Naxalites bhi kaha jata hai, they became very, very active. And these groups adopted the arms measures and insurgents techniques. They adopted काफी strong measures उन्होंने adopt किए to overthrow the capitalist order and the established political system. जो उस समय के जो states थे वहाँ पर जो capitalist government order थी और political system था उसको उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने violent तरीकों का इस्तेमाल किया and currently about 75 districts, if we talk about today, 75 districts of 9 states, they are affected by Naxalite violence. So, ये तीन कुछ issues, एक तो Naxalite movement आ गई, साथ में railway strike हो गई, कुछ economic context था, Gujarat और Bihar की movements आ गई, इन सभी में, सभी ने आग में घी का काम किया and moreover, there was a conflict with the judiciary. एक मेजर रीजन नेशनल इमरजेंसी के आने का था कि गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट थी देयर वाज इट वाज हैविंग कॉन्फ्लिक्ट विद द जुडिशरी. पार्लियामेंट पावर्स टू एब्रिज फंडामेंटल राइट्स एंड सुप्रीम कोर्ट सेड इट कैन नॉट. जो पार्लियामेंट थी गवर्नमेंट थी
पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करना चाहती थी एंड लिमिटाइज करना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, जुडिशरी ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी के बारे में हम बाद में बताते हैं। यहाँ पर पार्लियामेंट अंडर द लीडरशिप, गवर्नमेंट वॉज अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी ओनली एंड पार्लियामेंट वॉज सेइंग दैट इट हैज़ द पार्लियामेंट कैन कर्टेल द राइट टू प्रॉपर्टी बाई मेकिंग एन अमेंडमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन सच अ मैनर दैट द राइट्स आर कर्टेल्ड। एक्चुअली इंदिरा गांधी कुछ ऐसी पॉलिसीज लाना चाहती थी, वॉन्टेड टू लिमिटाइज द राइट टू प्रॉपर्टी, वो प्रिवी पर्सेस को अबॉलिश करना चाहती थी, एंड करना चाहती थी, लेकिन उसके रास्ते में राइट टू प्रॉपर्टी आ रहा था, इसीलिए गवर्नमेंट राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल करना चाहती थी। सो देयर वाज अ टसल बिटवीन इंदिरा गांधी एंड सुप्रीम कोर्ट एंड सर्टन कन्फ्लिक्ट वाज देयर विद द जुडिशरी एंड द थर्ड कन्फ्लिक्ट वाज कैन फंडामेंटल राइट्स बी कर्टेल टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगेन द सुप्रीम कोर्ट सेड इट कैन नॉट, पार्लियामेंट कैन नॉट एब्रिज फंडामेंटल राइट्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इफेक्ट में लाने के लिए फंडामेंटल राइट्स को कटेल किया जा सकता है, किया जाएगा, क्या गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती। इस कंट्रोवर्सी को फाइनली सोल्यूशन मिला केशव नंदा भारती केस में, जिन्होंने कहा, एक नई थ्योरी सामने लेकर आए, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, मूलभूत ढांचा जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें पार्लियामेंट किसी भी तरह का कोई भी अमेंडमेंट या चेंज नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक फीचर्स हैं एंड पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दीज फीचर्स। इस कंट्रोवर्सी में देयर वाज अ टसल बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी। जैसे ही 1973 में केशव नंदा भारती केस का डिसीजन आ जाता है, उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वैकेंसी वेकेट हो जाती है, वहाँ पर वैकेंसी खाली हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज की सीट पर एक प्रथा थी, एक कन्वेंशन मान लें, इंडिया में एक प्रैक्टिस थी कि सीनियर मोस्ट जज को ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। बट डार्केस्ट डे in Indian judiciary in which the parliament interfere in the works of the judiciary, that was the darkest day in Indian judiciary when the government of India set aside the seniority of 3 judges and appointed A.N. Ray as the chief justice of India. तीनों जजेस की जो प्रैक्टिस थी उनको पीछे रखते हुए, बिल्कुल प्रैक्टिस जो कि सीनियर मोस्ट जजेस को ही चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया जाएगा, उसको एक साइड में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने A.N. Ray को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया और इससे पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा बढ़ गई दैट ऑल द सीनियर मोस्ट जजेस हु वर सुपरसीडेड, जिनको सुपरसीड कर, जिनको पीछे छोड़कर, जिनकी सुपीरियॉरिटी को पीछे छोड़कर A.N. Ray को चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया था, ऑल द 3 जजेस दे स्टूड अगेंस्ट द रूलिंग्स, सुपरसीडेड हैड गिवन द रूलिंग्स अगेंस्ट द स्टैंड ऑफ द गवर्नमेंट एंड इन ऑपोजिशन ऑल द 3 जजेस दे रिजाइंड फ्रॉम देयर पोस्ट। नाउ वन मोर हैपनिंग हैपेंड, दिस वाज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट and the 3 judges they resigned at that time and the immediate cause was when and why government declared emergency on 12th of June 1975 justice actually Raj Narayan he contested against Indira Gandhi from Rae Bareli seat in 1971 he filed a petition he lost this election and he filed a petition in the court of Allahabad and under that petition he has given the clue that Indira Gandhi has used bribes, she has used government officials in the propaganda and in the
गवर्नमेंट मशीनरी हैज बीन यूज्ड बाय इंदिरा गांधी इन द इलेक्शंस लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 1971 ऑन 12th ऑफ जून 1975 द रूलिंग्स केम अलाहाबाद हाई कोर्ट पास्ड अ जजमेंट वन जजमेंट केम फ्रॉम द साइड ऑफ अलाहाबाद हाई कोर्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा and they declared that Indira Gandhi's election to the Lok Sabha is invalid. Unka jo Indira Gandhi jo election jeet kar prime minister bani hai wo invalid hai aur unhe kisi bhi tarah se apni seat par rehne ka koi hak nahi hai. As a result, Indira Gandhi was no more an MP and therefore could not remain prime minister. Actually, at that time, Indira Gandhi wanted to resign, but the other leaders of Congress, they told her not to resign. And at that time, she again filed a petition in the Supreme Court of India. And at that time, in the month of June, Supreme Court was having its summer break. And in the summer break, one of the judges, he gave his judgment that till her appeal is not decided, she could remain as an MP, but could not take part in the proceedings of the Lok Sabha. बेशक उस समय वो इसमें जब 24 जून को जजमेंट आती है जब इंदिरा गांधी अपनी सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करती हैं तो जजमेंट के अकॉर्डिंगली वो MP तो बनी रह सकती हैं लेकिन पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में उस समय तक भाग नहीं ले सकती जब तक इस पटिशन का फैसला नहीं हो जाता. अंडर द जजमेंट मेड बाय जगमोहन लाल सिंगला फ्रॉम अलाहाबाद हाई कोर्ट ऑन 12th जून 1975 देयर वर रिस्ट्रिक्शंस पुट ऑन इंदिरा गांधी दैट शी कुड नॉट फाइट बिकॉज़ शी कुड नॉट कंटेस्ट एनी इलेक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years. 6 years तक वो कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकती क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल किया है. शी हैज़ यूज सम इलीगल मीन्स टू विन द इलेक्शन. एट दैट टाइम द क्राइसिस बिकेम वेरी वेरी स्ट्रोंगर एंड जयप्रकाश नारायण द ऑल ऑपोजिशन लीडर्स दे गेट टुगेदर and Jayaprakash Narayan he pressed for India pressurized for India Indira Gandhi's resignation. इस समय दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में 25th जून 1975 को एक मैसिव रैली निकाली जाती है. जयप्रकाश नारायण अनाउंस करते हैं कि एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च किया जाएगा अगर इंदिरा गांधी 29th जून तक रेजिग्नेशन नहीं देती. एक नेशन वाइड मूवमेंट चलाई जाएगी एंड दैट सिचुएशन ऑन 25th ऑफ जून जेपी वाज सपोर्टेड बाय ऑल ऑपोजिशन लीडर एंड ही आल्सो गेव अ कॉल टू आर्मी पुलिस एंड ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज दैट दे शुड नॉट ओबे द इलीगल एंड इमोरल ऑर्डर्स एज गिवन बाय द गवर्नमेंट. So this was a direct threat to Indira Gandhi and in response to this president's rule was imposed in India under the article of 352. On 24th June 1975 the government ko laga ki ye to hamare government ne actually Indira Gandhi apni seat ko bachana chahti thi aur us samay government apne aap ko authority mein rakhne ke liye power mein rakhne ke liye the government decided to declare the proclamation of national emergency under the article of 352. What constitution says about this article that a national emergency can be imposed in the country in the case of war and external aggression as imposed in the war of 1971 Bangladesh crisis ke time mein India mein national emergency वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के अंडर लगाई गई थी बट दिस एमरजेंसी वॉज इम्पोज ड्यू टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस
आर्टिकल 352 दैट विल बी इम्पोज अंडर द इंटरनल डिस्टर्बेंस. सो द गवर्नमेंट कुड डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस ऑन द नाइट ऑफ 25 June 1975. प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी शी रिकमेंडेड द इम्पोजिशन ऑफ, रातों रात उसका खाका तैयार किया. और उस समय फखरुद्दीन अली अहमद जो उस समय के प्रेसिडेंट थे, ही साइंड ऑन द प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी. एंड इन द अर्ली मॉर्निंग आफ्टर मिडनाइट द इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल मेजर न्यूज़पेपर ऑफिसर्स वाज डिसकनेक्टेड, ताकि कोई भी खबर न छापी जा सके. अर्ली मॉर्निंग में बहुत सारे लीडर्स और वर्कर्स जो कि ऑपोजिशन पार्टी को बिलोंग करते थे, जिसमें लाल कृष्ण अडवाणी एंड अटल बिहारी वाजपेयी, दे ऑल वर जयप्रकाश नारायण एंड ऑल, दे वर अरेस्टेड एंड दे वर पुट बिहाइंड द बार्स. एंड कैबिनेट वॉज इन्फॉर्म्ड अबाउट इट एट अ स्पेशल मीटिंग एट 6 AM. इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की भी मंजूरी नहीं ली और 6 AM में उनको एक स्पेशल मीटिंग में इन्फॉर्म कर दिया गया दैट नेशनल एमरजेंसी हैज बीन इम्पोज्ड इन द नेशन. ऑन 26 June, आफ्टर ऑल दिस हैड टेकन प्लेस, और ऑल इंडिया रेडियो गवर्नमेंट मॉर्निंग टाइम में इंदिरा गांधी ऑल इंडिया रेडियो के चैनल के थ्रू सारे के सारे देश में इस बात की अनाउंसमेंट करती हैं कि नेशनल एमरजेंसी हैज बीन imposed in the country. Under this emergency, the federal powers, they are suspended, and all the powers are concentrated in the hands of the union government. Secondly, government जो है सारे के सारे fundamental rights लोगों के curtail कर देती है इस emergency में. In the next part, this is all with the reasons behind and how emergency was declared. In the next part of the video, we will discuss that was the emergency necessary or not, what were the lessons we have got from the emergency, what happened during this emergency, and what were the consequences just after the imposition of the emergency. So this is all with the causes of the emergency and declaration. Thank you.